हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा राजस्थान आरबी यूएनएल और जेबीवीएनएल और जेडीबीवीएनएल एबीवीएनएल जो कि टेक्निकल हेल्पर थर्ड की जो कि ऑनलाइन फॉर्म जो कि 2022 के फॉर्म जो कि भरे जा रहे हैं। इसमें जो कि आपको तीन चीज़ें आपको अपलोड करनी है, एक है आपका फोटो और एक आपका सिग्नेचर और एक है आपका डिक्लेरेशन। ये तीन चीज़ आपको अपलोड करनी है जो कि इनकी किस प्रकार से रिसाइजिंग करनी है इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं तो उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, जिसमें हमको किस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमको रिसाइजिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम रिसाइजिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस नोटिफिकेशन को खोल देता हूँ। ये जो कि पूरा नोटिफिकेशन है जो कि मैं बता देता हूँ, जो कि जयपुर विद्युत निगम द्वारा जारी किया गया है, जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड के लिए है। तो इसके जो कि हम नोटिफिकेशन के जो नीचे आते हैं, हम पेज नंबर 14 पर, यहाँ पे हमें गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग फोटोग्राफ, जो कि सिग्नेचर और हैंड डिक्लेरेशन की, जो कि फोटो और साइन के सभी के तीनों के डिक्लेरेशन बताए गए हैं किस तरह से आपको रिसाइजिंग करनी है। ये अप्लाई द ऑनलाइन फॉर्म जो डिजिटली इमेज होनी चाहिए, सिग्नेचर हैंड डिक्लेरेशन स्पेसिफाई गिवन स्किल्स दिए गए हैं। नीचे पहला आता है फोटोग्राफ, फोटोग्राफ जो कि आप जो कि होनी चाहिए, पहले देखते कैंडिडेट मस्ट बी फोटो जो कि अपलोड करेंगे, रिसाइजिंग द फेस वो भी एकदम क्लियर विजिबल होना चाहिए। उसके बाद फोटो मस्ट बी रिसेंट, जो फोटो होनी चाहिए वो रिसेंट की फोटो होनी चाहिए और कलर पिक्चर होनी चाहिए, फ्रंट व्यू एंड विदाउट मास्क, मतलब आपको मास्क लगा के नहीं, आपको एकदम फ्रंट आपका जो कि एयर वगैरह सब कुछ सही तरह दिखने चाहिए होनी चाहिए। मेक श्योर योर पिक्चर इज कलर पिक्चर, अगर कलर होनी चाहिए अगेन टू द लाइट कलर्ड एंड प्रेफर एंड वाइट बैकग्राउंड को प्रेफर किया जा रहा है, मतलब जितना अच्छा हो सके आप वाइट ग्राउंड में बैकग्राउंड की फोटो आप लगाएं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लुक स्ट्रेच एंड कैमरा विथ रिलैक्स फेस, मतलब आपको ऐसे कुछ ज़्यादा फेस उस नहीं बनाना है, एकदम रिलैक्स होकर फोटो जो कि है आपको फोटो खिंचवाना है और आपको इसमें अपलोड करना है। पिक्चर सनी डे एंड बिहाइंड द प्लेस या और इनसाइड, मतलब जो भी आपको फोटो है वो शेडो मतलब छाया वगैरह नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू फेस एंड शोर द नो रेड आई, आपकी आंख रेड नहीं होनी चाहिए। यू ग्लास और नो रिफ्लेक्शन और या वी कैन बी क्लियरली, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपका ग्लास पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, पर आप जितने अवॉइड कीजिए, आप चश्मा हटा कर ही फोटो खिंचवाइए और कैप भी आपको नहीं लगानी है, ग्लास भी नो टच वेल, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। हैंड वेयर अलाउड टू बी मस्ट बी द कवर द फेस, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसे आपका पूरा कवर हो सके फेस, वो भी आपको नहीं लिखाना है। डायमेंशन जो कि 20x30 पिक्सल की होनी चाहिए और ध्यान में रखने वाली साइज़ है 20 से 50 KB के बीच में आपका फोटो का रिसाइजिंग होना चाहिए और इंक्लोजर जो फोटो के भी साइज होनी चाहिए। इधर सेटिंग आप स्कैन करके रिवोल्यूशन को और कलर को आदि को आप प्रोसेस से स्कैन आपको कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको आता है सिग्नेचर, सिग्नेचर का भी आपको यहाँ पे साइज देखने को, जब ब्लैक पेन से ध्यान रखना है, आपको कोई नीले पेन से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वाइट पेपर में, मतलब वाइट पेपर है विथ ब्लैक इंक, आपको ब्लैक इंक से ही करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर साइन विच भी अप्लीकेबल एंड नॉट अदर पर्सन, बल सिग्नेचर वही साइन करें जो कि वहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे, दूसरे का साइन नहीं अपलोड करना है कि वो साइन आपका लगा दे। सिग्नेचर यूज बिट अटेंड द शीट एंड अवेयर नॉट नेसेसरी, जो कि सिग्नेचर होगा जो कि मैच करना चाहिए, जो कि आंसर की के साथ जो वो जो आपकी शीट होगी उस पर मैच करना चाहिए। वह आते हैं डायमेंशन बात, तो 140x60 पिक्सल के प्रेफर्ड करेगा कि इसके बीच में ये होना चाहिए, साइज़ वो होनी चाहिए 10 से 20 KB के बीच में, जो कि सिग्नेचर की है जो कि 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सिग्नेचर सबसे बड़ी खास बात ध्यान रखनी है, जो कि कैपिटल लेटर में आपको साइन नहीं करना है, मतलब बड़े बोल्ड अक्षरों में आपको साइन नहीं करना है कैपिटल में, तो आपको ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर क्या आता है हैंड डिक्लेरेशन, हैंड डिक्लेरेशन नीचे दिया गया भाई, यहाँ से जो कि आपको यहाँ तक जो कि आपको पूरा यहाँ तक आपको डिक्लेरेशन लिखना सॉरी यहाँ तक आपको डिक्लेरेशन लिखना है, उसमें डिक्लेरेशन में आपको सब मिल जाएगा कि यहाँ पे जिस सामने से यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जैसे डबल कोमा लगे हुए हैं, फिर उसके बाद एक सिंगल कोमा लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपको फ्री हैंड में जो कि हैंड राइटिंग में जो कि आपका पूरा नाम लिख देना है, उसके बाद फिर से एक जो कि कॉलम आपको लगा देना है, लगाने के बाद कोमा लगा देने के बाद फिर आपको फिर पूरे रनिंग राइटिंग में यहाँ तक लिखना है, उसके बाद डॉट लगा के फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको इसको क्लोज कर देना है, मतलब पूरा सेम टू सेम करना है। और फाइल जो कि जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगी और डायमेंशन 800x50 पिक्सल की होगी, जो कि प्रिफर्ड करेगा क्वालिटी पे, और हाइट एंड वेट जो कि 10 से 50 सेंटीमीटर शुड बी और 100 KB से ज़्यादा डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं रिसाइजिंग करने पे। रिसाइजिंग मान लीजिए फोटो है जिसका हमका रिसाइजिंग करना है, तो पहले इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या इसकी साइजिंग है या नहीं। इसकी साइजिंग है 16 से 20 और हमें चाहिए 20 से 50, हमें 20 से 50 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फोटो को हम ओपन विथ करेंगे पेंट के अंदर, पेंट के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये 16 से 20 साइड का है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस सेलेक्ट वाले पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे हम इसको मान लो जितना पार्ट इसका क्रॉप करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मान लो आपने स्कैन किया है तो आपको थोड़ा बड़ा होगा तो आप
कितना भी बड़ा हो आप उसको क्रॉप कर लीजिए। इस पर क्लिक करके आपको क्रॉप पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये क्रॉप हो जाएगा। अब आता है रिसाइजिंग के बाद, तो रिसाइजिंग के लिए हम इस पर रिसाइजिंग क्लिक करेंगे, इस पर पिक्सल पर क्लिक करेंगे। पिक्सल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसका रिसाइजिंग यहाँ पे डालेंगे पिक्सल का। जैसे यहाँ पर 213 है तो हमें क्या करना है, इसका साइज़ हमें बढ़ाना है। तो जैसे कि मेरे को ज़्यादा बढ़ाना है तो मैं इसको 400 यहाँ पे कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने पर हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो क्या इसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आया है। तो ये हो जाती है 48 से 52 KB, और ये ज़्यादा हो चुका है क्योंकि हमें फॉर्म में जो कि चाहिए 20 से 50 KB के बीच में ही हमें चाहिए। तो हम इसे फिर से ओपन विथ में पेंट में करेंगे और रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे, पिक्सल पर क्लिक करेंगे। इस पर हम यहाँ पर इसको 350 कर देते हैं क्योंकि हम इसको अब घटा रहे हैं। पहले हमने बढ़ाया था क्योंकि साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया था। अब आते हैं इसकी, फिर से हम इसकी रिसाइजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं 43 से 44। इस तरह से ज़्यादा और घटा सकते हैं हम वहाँ पे पिक्सल में चेंज करके, इसमें बढ़ा हुआ घटा सकते हैं। उसके ऑटोमेटिक पिक्सल अपने ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे, उसके बीच में आ जाएंगे। उसके बात करते हैं हम सिग्नेचर की। सिग्नेचर हमें चाहिए 10 से 20 KB का, तो इसमें देख रहे हैं कि 12 से 16 KB के बीच में, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। फिर भी हम देख रहे हो, थोड़ा मैं आपको बढ़ा के इसमें बता देता हूँ कि इसका साइज़ कैसे बढ़ेगा। देख लीजिए, ब्लैक साइन में किया हुआ, वाइट पर पर्पल इस तरीका का होना चाहिए। पिक्सल है जैसे 502 है, तो मैं थोड़ा मान लो बढ़ा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 525 कर देता हूँ। 500 करके इसको मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करके मैं इसकी रिसाइजिंग देखता हूँ तो क्या इसकी रिसाइजिंग हुई या नहीं। तो देखता हूँ ये 20 से 24 KB के बीच में हो गया, तो इस तरह से थोड़ा बढ़ गया है, तो इसको मैं अब इस बार घटा देता हूँ। तो इस तरह से बढ़ा हुए घटा कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है आप इससे बढ़ा हुए घटा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 400 करता हूँ। 400 करने के बाद इसे सेव करता हूँ। सेव करने में मैं इसकी साइज देखता हूँ क्या इसकी साइज में फिर से चेंजेस हुआ है नहीं। तो वहाँ इसकी साइज हुई है 13 से 16, तो इसका काम हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा सिग्नेचर जो कि अपलोड हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण जो कि डिक्लेरेशन है, उसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। डिक्लेरेशन है हमारा 58 से 60। तो इस तरह से मान लो आपका कुछ MB में ज़्यादा आपने जो अगर स्कैन किया है तो कुछ ज़्यादा बड़ा साइज बन गया है, तो आप इसको बढ़ाएंगे कैसे? तो उसको डिक्लेरेशन को कुछ नहीं, आपको पेंट में ओपन कर लेना है, ध्यान में रखना है। जो कि डिक्लेरेशन आप लिखेंगे वो भी आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे अब जहाँ 1700 था तो मैंने इसको 1800 कर देता हूँ, थोड़ा और साइज़ बढ़ा लेता हूँ, पिक्सल और बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसकी मैं प्रॉपर्टी देखता हूँ क्या इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आए हैं नहीं। तो इसकी देख पा रहा हूँ और ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कुछ गलत दिखा रहा था, इसलिए हो गया। तो हम इसको थोड़ा घटाएंगे। घटाने के लिए हमको क्या करें, पिक्सल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको 1200 कर देता हूँ। और 1200 करने के बाद इसे ओके करता हूँ और ओके करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में चेक करता हूँ कि क्या इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आए। तो ये 66 से 68 KB का हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तीनों चीज़ों को आप रिसाइजिंग कर सकते हैं और कैसे इसको अपलोड कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में मैंने बताया कि तीनों डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड हो जाएंगे। फिर भी आपको अगर समस्या हो रही है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन साइज अगर नहीं हो रहा है, आपसे नहीं बैठ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करूंगा और आपका रिप्लाई दूंगा। और आपको किस तरीके से अगर ये गलती कर देंगे अगर फॉर्म में, अगर आप रिसाइजिंग में इनमें अपलोड करने में, तो आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।